Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Adverse IS. I hope everyone is doing well. So today is sixteenth May, two thousand twenty-four, and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Adverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है मेक श्योर sure वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इम्पोर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है ओके okay, सो so आज का हमारा पहला आर्टिकल है अप्रैल ट्रेड गैप हिट नाइनटीन बिलियन डॉलर एस इम्पोर्ट आउट स्पेस एक्सपोर्ट अब यहाँ पर हम बात करें किसकी ट्रेड ट्रेड गैप की ट्रेड गैप क्या होता है एक तरीके से जो एक चीज होती है आपकी इम्पोर्ट है ना हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं इम्पोर्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री में दूसरी कंट्री से जो सामान है कोई भी गुड्स है सर्विसेज है उसको अपनी कंट्री में लेकर आ रहे हैं तो ये होता है आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या है जो आप अपनी कंट्री से दूसरे फॉरेन कंट्री में दूसरी कंट्री में क्या करते हैं यहाँ पर चीजों को आ, चीजों का ट्रेड करते हैं तो वो एक्सपोर्ट होता है तो अभी एक्चुअली यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो हमारा डेफिसिट है डेफिसिट क्या होता है मतलब कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है मतलब हम चीजों को इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट जो है हमारा कम होता है तो इसे हम क्या कहते हैं डेफिसिट ठीक मतलब कि कितना इन दोनों के बीच में कितना गैप है तो अभी ये बताया जा रहा है हम 2024 की बात कर रहे हैं, हमारा जो डेफिसिट है, है। प्रीवियस ईयर अगर हम प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर करते हैं इंडिया गुड ट्रेड डेफिसिट वाइड एन बाइ टू हिट नाइनटीन बिलियन डॉलर इन अप्रैल टू अब आप इस डेटा को देखेंगे पहला क्या है आपका एक्सपोर्ट ये 2023 ब्लू वाला जो पार्ट है ये बुल, वो आपका 23 शो कर रहा है और रेड वाला 24 तो हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं देखिए एक्सपोर्ट में इतना कुछ चेंज नहीं आया 30 4.62% पहले भी था थर्टी फोर पॉइंट यहाँ पर एक्सपोर्ट हमारा पहले भी था लेकिन हम इम्पोर्ट की बात करते हैं जो हम फॉरेन कंट्री से यहां पर चीजों को लेकर आ रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे पहले कितना था 2023 में इट वाज 49.06% अब ये इतना कितना हो चुका है 54.0 और डेफिसिट भी हमारा क्या है यहाँ पर uh, हम बात करते हैं किसकी टू में इट वॉज फोर्टीन बिलियन डॉलर और अब ये कितना हो चुका है नाइनटीन बिलियन डॉलर तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं चीजों को ज्यादा अपनी कंट्री में यहां पर लेकर आ रहे हैं इन कंपैरिज़न टू हम हमारा जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा यहां पर कम हो रहा है इसका मेन रीजन ये भी हो सकता है अब देखिए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की तो हमने बात कर ली इसमें अगर हमारा ये होता है और गवर्नमेंट भी बात करती है कि हमारा जो ट्रेड हम, डेफिस कम करना है अब इसी से आपका एक रिलेटेड टॉपिक आ जाता है जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट बी बीओपी क्या है इसके बारे में बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री कैन बी डिफाइंड एज अमेटिक स्टेटमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड यूजली वन ईयर यूजली इसमें हम वन ईयर लेते हैं अब इसमें एक सिस्टमेटिक आपका देखा जाता है सिस्टमेटिक स्टेटमेंट होता है कि, कि किस कंट्री के साथ हमारा कैसा कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है चाहे वो इम्पोर्ट हो रहा हो चाहे एक्सपोर्ट हो रहा ट्रेड के बेसिस पर हो रहा कुछ भी यहाँ लोन ले रहे हैं या फिर किसी को लोन ले रहे हैं क्या कि किसी से लोन दे रहे हैं तो ये सारी चीजों का जो ट्रांजेक्शन होता है बिटवीन द कंट्रीज इसका एक स्टेटमेंट जो सिस्टमेटिक स्टेटमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं बैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी हमने बात की कि हमारा इम्पोर्ट क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है और जो एक्सपोर्ट है हमारा वो क्या है यहां पर कम है इम्पोर्ट हमारा सरप्लस है सरप्लस मतलब ज्यादा और एक्सपोर्ट हमारे यहाँ पर डेफिशिट मतलब की उसमें कमी दिख रही है इन दोनों के बीच मतलब गैप है अगर यहाँ पर इम्पोर्ट ज्यादा होता तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी कंट्री में अगर इम्पोर्ट ज्यादा होता तो उसका मेन रीजन क्या होता है फॉर एग्जाम्पल अब आप इसे बहुत ही अच्छे से समझेंगे आपको इससे रिलेटेड सारे जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे हम बात करते हैं मैंने यहां पर क्या किया यूएस से यूएस का एग्जाम्पल ले लीजिए या फिर रशिया का एग्जाम्पल ले लीजिए ठीक है रशिया का या यूएस का लेते हैं अभी बेस्ट है यूएस ओके यूएस का एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं कि मैंने वहां से क्या किया यूएस से एक पेन मंगाया मैंने पेन मंगाया मतलब कि ये पेन मैंने वहाँ से इम्पोर्ट किया अब ये पेन की जो प्राइस है वो कितनी है टू डॉलर इस पेन का जो प्राइस है इट इज टू डॉलर अब ये जब इंडिया में आएगा तो ये जो डॉलर इसमें एक्सचेंज होगा रुपीज में एक्सचेंज होगा कितने में रुपीज में अगर हम इन दोनों के बीच में देखते हैं एक्सचेंज रेट देखते हैं किसके बीच में रुपीज और डॉलर के बीच में अभी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये अभी कितना है एट्टी रुपीज का मतलब एक डॉलर आपका कितने का है एट्टी रुपीज के इक्वल है यहां पर तो टू डॉलर यहाँ पर कितना हो जाएगा वन सिक्सटी रुपीज है ना मतलब टोटल हमें एक पेन के लिए कितना रुपए पे करना पड़ रहा है यहाँ पर वन सिक्सटी रूपीज अब अगर हमारा यूएसएस से सिर्फ हम मंगाए ही जा रहे हैं हमने बहुत सारे पेन्स को यहाँ पर क्या कर लिया इम्पोर्ट कर लिया तो इससे क्या होगा यूएस का यहाँ पे फ्लेक्चुएशन ज्यादा होगा है ना मतलब कि आपकी जो करेंसी है आपकी जो रूपी है आपकी जो नेशनल करेंसी है उसकी वैल्यू क्या क्योंकि वो एक तरीके से बहुत ज्यादा अमाउंट में जा रही है ना उसका फ्लेक्चुएशन ज्यादा हो रहा है तो उसमें यहाँ पर क्या होगा उसकी वैल्यू एक तरीके से कम होने लगी मतलब कि आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होने लगेंगी लेकिन अगर हम उसी लेवल पर क्या करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यूएस से यहाँ पर दो पेन मंगाए लेकिन मैंने वहां पर तीन पेन क्या किया फिर कोई दूसरा आइटम आप ले लीजिए यहाँ पर मैंने पेंसिल्स को यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया है ठीक है तो इससे क्या होगा रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब यहाँ पर डॉलर की डिमांड बढ़ रही तो इससे क्या होगा आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंक्रीज होगा तो एक तरीके से यहां पे हमारी जो वैल्यू है करेंसी की वो क्या होगी एप्रिशिएट होगी तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती जिससे मतलब है जो गैप होता है डेफिसिट होता है इसी से मेनली हमारी जो वैल्यू की करेंसी होती है मतलब की वैल्यू की जो करेंसी होती है वो यहाँ पर पता चलती है अब पर्पज क्या है बीओपी का हम बात करते हैं रिवील्स दी फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ कंट्री हमारी कंट्री के इकोनॉमिक स्टेटस बताता है कैन बी यूज एज अ इंडिकेटर टू डिटरमाइन वेदर द कंट्रीज करेंसी वैल्यू इज एप्रिशिएटिंग और डेप्रिशिएटिंग देखिए अभी हमने इसकी बात करी बीओपी से ही हम बात हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो रही है बढ़ रही है या फिर डेप्रिशिएट हो रही कम हो रही है ओके हेल्प द गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन फिजिकल एंड ट्रेड पॉलिसीज यहाँ पे जितनी भी हमारी ट्रेड पॉलिसी है फिजिकल है इस पर गवर्नमेंट को कैसा क्या पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए इसके लिए हमें BOP से पता चल जाता है. Components की बात करते हैं हैं और इससे पे कई बार में आपके questions भी आ चुके हैं कि what are the components of BOP? या फिर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से आपका पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा किसमें आता है तो मेनली अगर हम बात करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग बीओपी अकाउंट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ दर्ल्ड आर ग्रुप्ड अंडर टू अकाउंट यहाँ पर हमने दो अकाउंट बनाकर रखे एक होता है आपका करंट अकाउंट और दूसरा होता है आपका कैपिटल अकाउंट ठीक है एक करंट अकाउंट है दूसरा कैपिटल अकाउंट एंड एरर्स एंड ऑमिशंस इट ऑल्सो नोन एज चेंज इन फॉरिन एक्सचेंज रिजर्व ओके okay. अब देखिए करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए ओके okay. अब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं इट शोज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल मर्चेंडाइज और गुड्स और एंड इनविजिबल नॉन मर्चेंडाइज इनविजिबल इंक्लूड सर्विस ट्रांसफर एंड इनकम अब करंट अकाउंट को हम देखेंगे इसमें तीन चीजें हैं आप हम यहाँ पे तीन चीजें क्या क्या है ट्रेड इन गुड्स ट्रेड इन सर्विसेस ट्रांसफर पेमेंट ट्रेड इन गुड्स की बात करते हैं इसमें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इम्पोर्ट भी करते हैं गुड्स का लेकिन अभी क्या हो रहा है हमारा इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा है दूसरा हम ट्रेड इन सर्विस की बात करते हैं ट्रेड इन सर्विस में आपका सारी चीजें आ जाती है लेकिन लाइक नेट फैक्टर्स नेट नॉन फैक्टर इनकम लाइक शिपिंग बैंकिंग इंश्योरेंस टूरिज्म सॉफ्टवेयर सर्विसेज तो लेकिन अगर हम सर्विसेज की बात करते हैं सर्विसेज में हमारा जो ट्रेड हो रहा है वो सरप्लस में है लेकिन यहाँ पर ये जो सरप्लस है ये इसको यहाँ पर सरपास कर देता है क्योंकि हम यहाँ पे जो गुड्स uh, है हमारे उसका इम्पोर्ट ज्यादा

एक्सटर्नल बोरोइंग्स एंड एक्सटर्नल असिस्टेंट इन्वेस्टमेंट में जो आपका एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम बात करते हैं लाइक एफ इक्विटी कैपिटल आपके हो गए अर्निंग्स हो गई जो भी है ना डायरेक्ट कैपिटल का जो फ्लो हो रहा है उसके बाद हम बात करते हैं किसकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जिसमें आपका एफ आपके जो ऑफ शोर हैं एक्सटर्नल बोरोइंग मतलब कि हम किसी से जो शॉर्ट टर्म यहाँ पे डेट ले रहे हैं बोरोइंग कर रहे हैं तो ये सारा आपका किसमें आता है गवर्नमेंट एग्जाम्पल देते हैं जो आपके इंटर गवर्नमेंटल मल्टीनेशनल एंड बायोलिटरल लोन्स वगैरह सारे लिए जाते हैं तो वो आपके कैपिटल अकाउंट में आते हैं ओके सो इट शोज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ अ कंट्री इट गिव्स अ समरी ऑफ द नेट फ्लो ऑफ बोथ पब्लिक एंड

एक्ट 2019 थाउजेंड यहाँ पर आया था उसके अंडर अब यहां पर 300 लोगों को क्या किया गया गया, है है? कल citizenship दिया ठीक अब इस की बात करते हैं, इससे पहले citizenship आपको यहां से इसे आप GS Paper 2 से लिंक कर सकते हैं, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप ओके और भी आपको बताने की बात करते हैं हमारे पार्ट सेकेंड में आता है फ्रॉम आर्टिकल फाइव टू इलेवन ठीक है ये आपका सिटीजनशिप बताता है अब हम बात करते हैं पहले यहां पर क्या था हमारे पास एक था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 अभी हम इसकी बात करते हैं इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं चेंजेस बहुत सारे एक्ट आए उनको भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन अभी जो मेन है पॉइंट है हम यहाँ से डिस्कस करते हैं हमारा क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन ये क्या कहता है कि अगर कोई भी इंडिया में इलीगली आता है कोई भी यहाँ पर इल्लीगल माइग्रेंट है वो इंडिया का सिटीजनशिप सिटीजन नहीं है उसे सिटीजनशिप नहीं मिलेगी हमने क्या किया हमने इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया इन 2019 और इस चीज को चेंज किया इसमें अमेंड किया कि हमने ये जो इल्लिगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप ना देनी थी हमने कहा कि हम इन्हें सिटीजनशिप देंगे लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया रखा क्या क्राइटेरिया रखा अभी उसकी बात करते लेकिन अभी अब तक यहां पे बता दिया जाए कि यूनियन गवर्नमेंट ने आ, यहां पर 300 लोगों को क्या किया है जो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड किया है अब देखिए हम इस अमेंडमेंट की बात करते हैं आ, आपको यहां पे ज्यादा क्लियर होगा पहले हम बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 की ये क्या करता है सिटीजनशिप इज लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दस अंडर इज एक्सक्लूसिव जेरोडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट ये आपका यूनियन लिस्ट में आता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो सिटीजनशिप सब्जेक्ट uh, है वो यूनियन लिस्ट में आता है और इसीलिए यहाँ पर क्या है पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव जेरोडिक्शन है टू प्रोवाइड सिटीजनशिप

फ्रॉम आर्टिकल फाइव टू इलेवन यहाँ पर वेरियस कैटेगरीज दिखाई गई है बताया गया है कि कौन सा पर्सन हमारे इंडिया का सिटीजन हो सकता है कौन सा पर्सन नहीं हो सकता है तो देखिये द सिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव स्टैब्लिशेज गाइडलाइंस फॉर ऑप्टेनिंग एंड लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप सिक्स अमेंडमेंट टू सिटीजन अब तक यहां पर पूरे छह अमेंडमेंट हो चुके हैं नाइनटीन एंटी सिक्स में नाइनटीन नाइन टू में टू थाउजेंड थ्री टू थाउजेंड फाइव फिफ्टीन एंड नाइनटीन में हो चुका है जिसके तहत हमें किसको सिटीजनशिप देनी है कैसी सिटीजनशिप को रिवोव

से तीन कंट्रीज पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से यहाँ पर आते हैं तो और इंडिया में वो रह रहे हैं फ्रॉम ट्वेंटी फोर मतलब कि फोर्टीन दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन से पहले से मतलब दो हजार चौदह के पहले से अगर वो इंडिया में रह रहे हैं तो वो दे आर एप्लीकेबल टू वो क्या कर सकते हैं यहाँ पर इंडिया की जो सिटीजनशिप है उसके लिए वो लोग कैसे हैं एप्लीकेबल है वो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं इतना आपको क्लियर हुआ अब यहाँ पर क्या हुआ एक वर्ड आप भूल रहे होंगे इसमें मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया अब गवर्नमेंट का कहना यह है सुप्रीम कोर्ट में केस भी जाता है आपका तो गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये है वो ये कह रही है कि अगर हम बात करते हैं इन छह कम्युनिटीज की हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी और क्रिश्चियन की ये कहाँ से आ रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान आपकी कैसी कंट्री है एक थियोक्रेटिक कंट्री है थियोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है कि वो कंट्री जिसने अपना जो रिलीजन है उसको यहां पर बता के रखा है कि हाँ हम एक मुस्लिम कंट्री है या फिर हम क्रिश्चियन कंट्री है इस तरीके से सो दैट इज कॉल्ड थियोक्रेटिक कंट्री एक तरीके से ऐसा कहा गया और वहां पर थियोक्रेटिक नहीं हुई तो वहां पर हम ये देखते हैं कि जो मुस्लिम्स है वो मेजोरिटी में है ना वो क्या है मुस्लिम्स वहां पर मेजोरिटी में है सो so, इसलिए और ये जो लोग हैं मतलब ये जो कम्युनिटी है आपकी हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी क्रिश्चियन ये यहाँ पर माइनॉरिटीज में आते हैं तो उनके साथ यहाँ पर आपको पता है मेजोरिटी और माइनॉरिटीज में कितना ज्यादा माइनॉरिटीज में कितना ज्यादा कंफ्लिक्ट होता है सो so, इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हम इन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा तो अब देखिए यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर ये एक्ट के बारे में क्लियर होगा तो अब तक यहाँ पर तीन लोगों को मतलब यहाँ पर इस एक्ट के तहत सिटीजनशिप दी गई है ओके सो आई होप ये आपको पूरा यहाँ पर क्लियर होगा नाउ नेक्स्ट मूव करते देखिए एडिटोरियल सेक्शन में आज हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है आप यहाँ पर देखेंगे जो सेक्युलरिज्म यहाँ पर फिर वही पार्टीज की बात की जा रही कि जो हिंदू मुस्लिम हार्मनी है तो किस पार्टी में कैसा क्या था पॉलिटिक्स में कैसा शिफ्ट हो रहा है तो ये सारी चीजें हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है अब ये एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि जो इलेक्शन डे है उस दिन हॉलीडे रखा जाता है बहुत सारी कंट्रीज सिर्फ ये हमारे आ, इंडिया में ही नहीं क्योंकि अगर हम बात करते हैं वोट की है ना तो वोटिंग क्या है, है, है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सो इस फंडामेंटल ड्यूटी को इन्श्राइन करना ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन में है और इस चीज को एक्सरसाइज करने के लिए राइट टू वोटिंग जो है हमारा वोट को एक्सरसाइज करने के लिए हमें उस दिन क्या करना चाहिए हॉलीडे देना चाहिए सो so दैट सारे जो लोग हैं जितने भी लोग हैं वो क्या कर सके यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर सके ओके सो आई होप आपको ये क्लियर होगा तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा ये आर्टिकल ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सो ये वी आर टॉकिंग अबाउट मनीपुर अकाउंटेंट फॉर नाइन्टी सेवन परसेंट ऑफ South इन साउथ एशिया डिस्प्लेसमेंट आपका दो मतलब कि अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट मतलब आप अपना जो प्लेस है उसको छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं रहने के लिए अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं रीजन क्या क्या हो सकते हैं या तो उस रीजन में बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट हो रहा हो ठीक है उस रीजन में क्या हो बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट है प्रोटेस्ट हो रहा है तो वहां पर आप नहीं रह रहे दूसरा यहाँ पर डिजास्टर लाइक वहां पर या तो आज क्वैक आ रहे हैं फ्लड जैसी सिचुएशन हो रही है फेमाइन हो रहा है ड्रॉट आ रहा है पानी की व्यवस्था नहीं है तो इस तरीके के अगर कुछ मतलब डिजास्टर्स होते हैं तो आप क्या करते हैं उस प्लेस से वहां पर डिस्प्लेस हो जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो ये कुछ रीजन अब एक्चुअली इसमें ये कहा जा रहा है अब तक की हम बात करते हैं यहां पर रिपोर्ट आई है कंफ्लिक्ट एंड वॉयलेंस ट्रिगर्ड 69,000 नाइन इन साउथ एशिया इन 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री

हाई कोर्ट ने वहां की ये डिमांड की यूनियन गवर्नमेंट को यहां पर रिकमेंडेशन के लिए सेंड किया है कि हमें मीति कम्युनिटी को स्केड जो स्केड्यूल ट्राइब का स्टेटस प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं ये तो सारी चीजें हो गई उसके बाद हमने यहाँ पर ये देखा मीति और कूकीज के बीच में ही चल ही रहा है और अगर हम बात करते हैं अदर कंट्रीज में तो यहां पर अब तक जो है डिस्प्लेसमेंट अब आप ये पूरा चार्ट देखेंगे आपको समझ में आएगा 2009 नाइन का डेटा देखिए 2016 का देखिए टू थाउजेंड सिक्सटीन का देखिये टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री मेंसमेंट किया है अब इस इस मैप मैप में देखिए देखिए सबसे ज्यादा को आप बहुत अच्छे से ये जो जो पूरा रेड और ऑरेंज और कलर वाला पार्ट है वो बता रहा है कि किस कंट्री से यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो आप देखेंगे इस रीजन में ये जो आपका इक्वेटोरियल बैंड के अंदर यहाँ पर ये जो रीजन आ रहा है यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है इसका मेन रीजन क्या है इसका मेन रीजन यहाँ पर बहुत सारी बहुत सारी एक पहला तो क्लाइमेटिक फैक्टर हो सकता है दूसरा यहाँ पर डिजास्टर प्रोन एरियाज़ ज्यादा हैं ये तीसरी चीज यहाँ पर क्लैश ज्यादा हो रहे हैं कंफ्लिक्ट ज्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सो so, सबसे पहले हम बात करते हैं सुडान में सबसे ज्यादा कंफ्लिक्ट हुआ 9.1 मिलियन उसके बाद सीरिया फिर डीआरसी देन कोलंबिया 4.5 पॉइंट फाइव में है थर्टी फाइव पॉइंट सेवन अदर कंट्रीज यहाँ पर आ रही हैं तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो टोटल इंटरनली पर्सन गो अप टू अ रिकॉर्ड सेवेंटी फाइव पॉइंट नाइन मिलियन तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर को भी एड करते हैं देखिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है माइग्रेशन आप एक तरीके से कह लीजिए एक माइग्रेशन होता है इंटरनल माइग्रेशन दूसरा यहाँ पर होता है आपका एक्सटर्नल माइग्रेशन तो इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या इंटरनल मतलब आप अपने ही प्लेस से मतलब कि अपनी कंट्री में एक प्लेस से या तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल माइग्रेशन अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पर हो सकते हैं कि आपकी स्टेट में अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है दूसरे स्टेट में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो इसलिए आप यहाँ पर माइग्रेट कर रहे हैं दूसरा आपका होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन तो एक्सटर्नल माइग्रेशन मतलब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे यहां पर माइग्रेट कर रहे हो तो इसमें ये कहा जा रहा है अगर हम यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर वाली जो के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको एड नहीं एड करते हैं तो यहाँ पे जो टोटल जो नंबर है वो कितना पहुंच जाएगा सेवेंटी मिलियन तक पहुंच जाएगा ओके सो आई होप आपको यहां पर ये क्लियर होगा इतना नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं सो द नेक्स्ट आर्टिकल हेयर इज इंडिया रिकॉर्ड्स हाइस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन इन 2023 अब देखिए वहीं से हम कन, आप लिंक करते जाइए मणिपुर का मणिपुर में जब भी कंफ्लिक्ट और कैशेस क्ला, होता है मनीपुर की बात नहीं करें। कहीं पर भी किसी भी की बात कर रहे इंडिया में ही बात करते हैं तो इंडिया में क्या होता है जब भी कंफ्लिक्टैरा ज्यादा तो इंटरनेट शटडाउन हो जाता है बहुत सारी चीजें हो जाती है तो अब तक ये बताया जा रहा है कि इंडिया विटनेस हाई नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन इन वर्ल्ड इन टू अ रिकॉर्ड इट हैजेड फॉर द सिक्स स्ट्रीट

ऑर्डर टू हैव ऑर्डर ओवर कम्युनल टेंशन जो कम्यूनल टेंशन है इस चीज को कम करने के लिए ज्यादातर जो हमारे कंट्री में क्या होता है इंटरनेट को शटडाउन किया जाता है सो so, इससे क्या हो जैसे कि वॉयेंस एग्जाम एंड अदर रीजन्स ये भी कुछ रीजन्स है जिसकी वजह से इंटरनेट शट डाउन होता है मणिपुर का एग्जाम्पल लीजिए मणिपुर में सबसे ज्यादा यहाँ पर अब तक बहुत सारे आप लोगों ने वहां का जो केस देखा ही होगा ठीक है तो ये इंसिडेंस यहाँ पर बहुत बात करते हैं मणिपुर वेर फुटेज डॉक्यूमेंटिंग एट्रोसिटीज कमिटेड ड्यूरिंग द एथनिक वायलेंस हैज गॉन वायरल सेवरल वीक्स आफ्टर द इंसिडेंट एक्चुअली टुक प्लेस अब यहाँ पर आप सभी को मणिपुर का एक केस पता होगा जिसमें जो दो वुमेन को नेकेड यहां पर परेड कराया जाता है तो जिस दिन वो यहाँ पर केस होता है है ना जो जिस दिन ये इंसिडेंट होता है उसके बहुत हफ्तों बाद आफ्टर द वीक्स यहाँ पर वो जो वीडियो होता है वो वायरल होता है तो जिस दिन हुआ था उस दिन तो वायरल नहीं हुआ लेकिन उसके कुछ दिनों बाद वो वायरल होता है तो इसका जो इम्पेक्ट है इस तरीके की चीजें हैं तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है उसके बाद हमने यहाँ पर देखा इंटरनेट जो शटडाउन है कब कब हुआ आपका यहां पर तो देखिए पंजाब में हुआ था कब ड्यूरिंग द मनहोत प्रो प्रोटे प्रो खालिस्तानी जो यहाँ पर अम, अमृतपाल सिंह है है ना तो इसके चलते यहां पर जो चल रहा था उसके बाद फिर मणिपुर में जो इथनिक वॉयेंस यहाँ पर स्टेट में था तो इस सब के चलते यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया था इंटरनेट शटडाउन को इम्पोज किया था ताकि जो कंडीशन है और ज्यादा सीवियर ना लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो किसको होता है कहीं पर भी कंफ्लिक्ट हो चाहे हम इंडिया की बात करें या फिर रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर लीजिए आप या फिर आप इसराइल और गाजा हमास की मतलब ये जो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसकी बात करिए इसमें जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं वो आपकी विमेन एंड चिल्ड्रन करते हैं कौन विमेन एंड चिल्ड्रन विमेन एंड चिल्ड्रन ह्यूमन ट्रैफिकिंग ओके ह्यूमन ट्रैफिकिंग आता है सेक्सुअल हरासमेंट यहाँ पर सेक्सुअली उन्हें हरास किया जाता है उनके साथ रेप किया जाता है तो चाहे वो बच्चे हों चाहे वो वुमेन है सबसे ज्यादा इनके साथ यहाँ पर क्या होती है प्रॉब्लम होती है और इसका जो कोई भी कंफ्लिक्ट होता है उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर होता है सो इंक्लूडिंग मर्डर रेप एरोजन एंड अदर जेंडर बाइज वॉयेंस आर देयर बाय होल्ड प्रोपर्चुनिटी अकाउंटेबल ओके सो आई होप आपको ये यह आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा अब इंटरनेट शटडाउन की बात करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है तो देखिए हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर इसका इम्पैक्ट होता है हम यहाँ पर जो हेल्थ और ह्यूमेटेरियन असिस्टेंस है उसको एक्सेस करने में हमारी प्रॉब्लम आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के यहाँ पे क्या गाइडलाइंस है शटडाउन को लेकर सो इन टू uh, थाउजेंड का ये केस है केस वर्ड है अनुराधा वासन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड अ सिग्निफिकेंट जजमेंट रिकोगनाइजिंग दैट द राइट टू फ्री स्पीच एंड राइट टू कैरी आउट ट्रेड एंड बिजनेस थ्रू द इंटरनेट आर फंडामेंट राइट right. यहाँ पर गवर्नमेंट uh, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि uh, हमारा जो इंटरनेट uh, के थ्रू हम जो बिजनेस करते हैं ट्रेड करते हैं और हम बात करते हैं राइट टू फ्री स्पीच थ्रू द इंटरनेट ये हमारा फंडामेंटल राइट right है अंडर आर्टिकल नाइनटीन सब क्लॉज वन सब क्लॉज ए एंड सब क्लॉज डी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके okay, तो इसे यहां पर कर्टेल नहीं किया जा सकता है तो द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट इंटरनेट शटडाउन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी ये जो इंटरनेट शटडाउन है ये जो सब्जेक्ट है आपका इन कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी के लिए है यहां पर इसको हमें अध्ययर करना होगा और अगर आप इंटरनेट शटडाउन कर रहे हैं तो इसका एक टाइमलाइन होना चाहिए कि आप कितने दिन तक इंटरनेट शटडाउन कर रहे हैं ठीक है क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि जो लोग हैं जो हमारे सिटीजन्स हैं उनका फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है सो वी हैव टू इंश्योर दिस थिंग ओके सो आई होप आपको यहां पर क्लियर होगा सो so, आज के न्यूजपेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें सो दैट्स फॉर ऑल टूडे थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन